बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिंगरौली बैड़न थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अलग अलग स्थानों पर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने टीम गठित कर चोरों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 1.5 लाख रुपए से अधिक का सामान जब्त किया। मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप शेंडे ने बताया कि आरोपियों के पास से समर्शियल पंप, सेलिंग फैन, कंप्यूटर और प्रिंटर जैसे सामान बरामद हुए। तलाश किया है, इसमें पूरा कोतवाली की टीम ने काफ़ी प्रयास किया है, उसके बाद में मामला ट्रेस हो पाया है। लगभग 1.5 लाख रुपए का मसरूफा हमने बरामद किया है, 2 मामले इसमें खुलासा हुआ। एक मामले में समर्सिबल पाइप वगैरह, पंप वगैरह इसमें चोरी का बरामद किया गया है और दूसरे मामले में हमने कंप्यूटर और उससे रिलेटेड जो सामग्री होती है और AC वगैरह ये जब्त किया है। टोटल मिला करके 9 आरोपी है, 9 आरोपियों से सामग्री जब्त की गई है। इन्होंने अलग अलग घटना को अंजाम दिया था, वीडियो बना करके और इनको आज TRP पेश किया जा रहा है। हाँ, 2 आदमी हैं, 2-3 आदमी इसमें पुराने गिरोह के हैं अभी और हम इनसे पूछताछ करेंगे आगे और जो भी खुलासा होगा आप लोगों को बताएंगे। सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।